ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है।
कॉर्पोरेशन के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियां और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। नमस्ते राव जी। सीएम साहब अंदर ही है। हमारे स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी है। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। Estudio.
से ही डील हो जाएगी, मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुझसे काम करवाता हूं तो रोकड़ा देता हूं ना, तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? मुझसे पंगा कौन लेगा? प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, यह टेलर हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है, उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशन किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी ने आपको जिस जिस विरोधी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस जिस लैंड को आपने माफ किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले हैं। तुमने जो कुछ कहा वो सही है डीजीपी, जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें, माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना। मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, इस टाइम इट्स अप। हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचान।
Thank you.
द्वारा प्रस्तुत की गई है।
చోదుడు నిమర్రా. వాడి సంగతి తర్వాత ముందు బుల్లెట్ వెళ్ళడేమయ్యాడు. ఆ దున్న చేసిన గడపడం వల్ల అటెన్షన్ నేనే ఎదురాలే. కానీ వస్తుంది నేను ఇంటెలిజెన్స్ లో పని नहीं बन सकते. एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक.
जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड? समझाता हूँ ना, एक एनालिसिस क्या करता है, एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा, पूरे स्टेज की इमेज के लगाएगा वाट, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा तब एक भले आदमी को बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उसके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से नहाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर? उनके लिए तो मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदा है। ये सब करना इतना आसान है? बिल्कुल सर, बिजली पानी राशन टैक्स में बाकी चीजों पर डबल टैक्स, जब तक लॉलीपॉप मिलेगा बच्चा हो या बूढ़ा सब चुप रहेंगे। मम्मी का सर किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। कितने ऊंचे विचार है। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। क्या कहा? सीधा छक्का सीएम? क्यों नहीं? रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता, पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे, लोग ढिंचक डीजे बजाएंगे, लजीज कबाब चबाएंगे, मेरे बर्थडे का केक बटेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ? कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती फूल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसा ही तो बना। बेटा ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं? इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं करप्ट ना हो जाऊं। ए सीएम, क्या कड़क लॉजिक दिया है, आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ, ससुर के बारे में कुछ भी कहो, मेरे पेट में क्या उतरा? दामाद? और उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने में एकदम लड्डू है, धक 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 कर रहा मेरे लिए उसकी शर्त कर ले। यहाँ मेरे हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे? ए, तेरी क्यों चल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे। अच्छा, खुद को हॉट समझती है? जस्ट एवरेज। एवरेज और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना चल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली का मैं ब्रो, मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ देती है। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है? वैसे ही छपट्टी है, जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, तभी क्या करती है, सांस अटक जाती है। तेरा तो हक भी एवरेज ही होगा, वो अभी तक क्यों है तो तुझे कौन कहां से? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार ना हो जा, अब तू ही बता, किसी अप्सरा से शादी करके उसे काम ले गया तो लोग क्या कहेंगे, इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है, 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा, सही है ना? वाह 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 वाह,
कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल स्टेट जैसी रोज रोज बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया ऐसी है? वाह 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 वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं तुझे तो मैं देख लूंगी। Thank you.
भी मौजूद था ना? Yes. ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो फिर तू दोनों चांस मिस कर चुका है, बेटर है यहाँ से निकल ले। निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, लेकिन उसके पहले उसके घर में घुसकर उसके सिर में गोली ठोक। मारेगा, उड़ान भरेगा, चीर डालेगा, भारत तक नहीं लगेगी।
छुट्टी दे दी गई, एकदम निपट गई मुझसे। मुझ जैसी हॉट लड़की को छोड़ के अकेले पब कैसे जा सकते हो ये पूछ रहे। दल्ली भी हो गए, ऊपर से किसी एवरेज लड़की के साथ वहाँ डांस भी किया। ऐसे आड़े तेरे सवालों से मेरा पीछा फ्राई कर दिया। अब वो पब वाली लड़की, चल तू ही बता, जवान है, खून में जोश है, उसने मेरे साथ डांस करने का मन किया तो मैं नाचा, गलत किया क्या? यार उसके दिमाग में इतनी सी बात घुस ही नहीं रही है। Is this the way to talk? ये सुन के मेरा भेजा सटक गया। मैं बोला मुझे एवरेज फिगर वाली लड़की पसंद है, एवरेज फिगर वाली के साथ चक्कर चलाऊंगा, एवरेज फिगर वाली को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सीधा बोल के इधर आ गया। यानी फाइनल डिसीजन ले लिया? क्यों यार, एवरेज लड़की को पटाऊंगा, कितनी दुआएं देगी मुझे, उसे दिल देना गुनाह है। गुनाह है क्या? तू अभी तेरी बात कर रहा था और तू सामने कैसे? कब से पूरा सुन लिया? सुन लिया, तुझे मैं आज की बात बता दूंगा। रात को पब में हम दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना, तोड़ू थी। तुम एवरेज थी ना, इसीलिए मुझे फुल मार्क्स मिल रहे थे। सबने कहा मैं कड़क लगा, तभी के तभी मैंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? मेरे साथ लाइफ बताएगा? यो अगर ना श्योर है, कल मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, वहाँ आना और मेरी दादी से सारी बातें करना, तेरे लाइफ करने का। आओगे ना? क्यों नहीं, लोकेशन भेज देना, ओकेजन पे करेक्ट टाइम पर पहुंचाऊंगा। जिस स्पीड से ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, मुझे इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। खुद को हाईलाइट करने के लिए मुझे साइडलाइन किया उसने। जब कल घर आएगा और मेरी पावर देखेगा ना, तो उसका एटीट्यूड और एरोगेंस दोनों फ्यूज हो जाएंगे। देख लेना, दामाद बनेगा। फैमिली को मारने की फिराक में था, इसलिए आया था। सीएम राठौड़ ने जैसे
आपको भेजा है उसका नाम जेकब है सर। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गर्म खोपड़ी का चाहिए, जेकब को बुला। कांपता है।
एक भेड़िया उसी खरगोश को खाना चाहता था। तो क्या सिर्फ उसे छोड़ देता हूँ? खेत में मोटर भी चालू करना है। चल नाटर बोल। ए, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मुझे दावत देने के लिए तो अपने घर पे नहीं बुलाया ना। चल मुंह खोल। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्त पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और बदले में मेरी पीठ में खंजर मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया। उसका सर चाहिए मुझे। उसे मारकर मेरी बेटी को ले आ। अगर खुद पे इतना ही गुरूर है तो मेरा ये काम कर दो। कि वो यहां पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा।
घुसने की धमकी दी, तोड़ दिया, फोर्स से सामना करवाया, कर लिया, अपनी पावर का रूप दिखाया, चूर कर दिया। अब भी कोई हक बचे तो वो भी पार कर लूंगा। Beach.
आयुष्मान बन के आए तो उसी थाली में सर होगा। कभी केवाईसी, कभी बैंक सर्वर डाउन या बैंक फीस के बहाने से, तो अब खेलिए लेवल 777 पर। वेलकम टू लेवल 777, इंडियाज ओनली ट्रस्टेड लीगल एंड 100% टैक्स फ्री गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहां मिलता है आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस विद सेल्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। सिर्फ लेवल 777 देता है जेन्युइन 24/7 कस्टमर सपोर्ट। अब आप खुद कर सकते हैं एक क्लिक पर डिपॉजिट और विड्रॉल अपने अकाउंट में। फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% और उसके बाद 10% ऑन एवरी डिपॉजिट। विजिट level777.com और अपने और अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे करो। सिर्फ लेवल 777 देता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। भारत का अपना करेगा पूरा भारत का सपना, लेवल 777।
లక్ష్మి వాడికేం కాదు. అమ్మాయిలు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు, అలసిపోయి ఉంటారు. వాళ్ళకి భోజనాలు ఏర్పాటు చూడు. ఇద్దరు అమ్మాయిలు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొస్తే చొక్కా పట్టుకుంటే టీ కాసిన పోయి ఏదో యుద్ధం కలిసి వచ్చినట్టు ఊరంతా ఎవరే చెప్పడండి. ఈ పీడం పెట్టి తీసుకురమ్మంది నేనే లేమ్మా. మా నాన్నతో పనుంటే చేయించుకునే విధానం ఇది కాదు. తీసుకొచ్చింది మిమ్మల్ని అడ్డం పెట్టుకుని పదవులు ప్రాజెక్టులు పైరవులు చేయించుకోవడానికి కాదమ్మా. మరి ఒక మంచిని గెలిపించడానికి, ఒక మంచి మనిషిని నిలబెట్టడానికి. ఎవరా మంచి మనిషి? నా స్నేహితుడు, మా ఆత్మ బంధువు, అన్నిటికీ మించి నా బరువు రుద్రగంటి రామకృష్ణరాజు. ఇండియన్ బిజినెస్ హిస్టరీలోనే బంగారు అక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ద గ్రేట్ మూమెంట్. ఎవ్రీ ఇండియన్ ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం आइडिया. हमारा काम हो गया. और आपको जॉब मेरी वाइफ को बात कर.
ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहले कभी गांव में नजर नहीं आए। इसकी आंखें, इसकी जुल्फें, इसकी
लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गई क्या? तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है, उनका दिल बहुत नाजुक होता है। तुम्हें तो ये पता ही होगा मेरा कुछ बात कुछ ज्यादा ही तेज़ है।
लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? Excuse me.
फिर देखते हैं पीएम उसका फोन कैसे उठाते। आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन दिव्या। सर ये क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर ऑफिस में ड्रग्स कहां से आए बताओ? सर ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस को सीज कर दो। ग्राउंड टेक्नोलॉजीज में आज पुलिस ने सरप्राइज रेड मारी है। रेड के दौरान ऑफिस से भारी तादाद में ड्रग्स मिले हैं। सभी ब्रांचेस के ऑफिस सील कर दिए गए हैं और सारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करके नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रामकृष्ण राव की कंपनी में ड्रग्स मिलने के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ये सब क्या हो रहा है? सर इसमें जरूर किसी की चाल है। डैडी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमारा काम ये करा या फिर इसकी बीवी कराई है? मेरी बीवी को चार्टर्ड प्लेन पसंद है, मेरी बीवी को पॉलिटिक्स पसंद है। कल को उसे तुम या मैं पसंद आ गए तो साड़ी का पल्लू पकड़ के घूमना पड़ेगा। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता हम यहाँ करते रहो। सबसे पहले उन लड़कियों का और उन एम्प्लॉयज का कुछ करना होगा। उससे पहले उसकी बीवी और कुछ ना मांग ले इसका कुछ करना होगा। हमने एक नेक इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है।
गुस्से में और कभी भी अंदर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप ही नहीं आपकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। सरेंडर कर दीजिए सर। ये क्यों सरेंडर करेंगे? भरोसा रखिए मैडम, बहुत शरीफ इंसान है, इनकी सुरक्षा मेरे कंधों पर है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप डैडी को यहाँ से नहीं ले जा सकती। बेटा Thank you.
खुश है? क्या वो खुश है? जवाब दो। इसीलिए मेरा दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मेरे बेटे ने ये जंग शुरू की है। दोनों के बाप यहाँ आएंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे, मेरे दोस्त भी गुनाह साबित करेंगे। मेरा बेटा अगर चाहता तो तुम्हें कॉलेज या पब से यूं अगवा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप को यह एहसास कराना था कि एक मासूम बेटी का पिछड़ना क्या होता है, इसीलिए उसकी आंखों के सामने अगवा किया।
उजवाला नहीं। साउंड में बीट चाहिए, बॉडी में स्विंग चाहिए, नजर में नशा चाहिए, टच में मजा चाहिए और मेरे साथ तुम चाहिए। ऐसा डांस कि बॉलीवुड हिल जाए। कर पाएगा तुम? लगा पाएगा मेरे जैसा टुक्का? अब तो इसमें साइन करना ही होगा। साइन इट सर। बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर। मैंने आपसे कहा था कि आप एक फरिश्ता हैं और अपने फरिश्तों को बचाने के लिए ईश्वर आता है सर। आज भगवान इंसान का अवतार लेकर धरती पर उतरे हैं। अब तो साइन कर दीजिए सर। रामकृष्ण ने अगर बोलना शुरू किया ना, तो सिर्फ कोर्ट में नहीं सर, पूरे
ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है।
लोग दोस्ती के लिए क्या कुछ न्योछावर नहीं करते, अपना वक्त देते हैं, अपनी खुशियां देते हैं, और कोई जान कुर्बान करेगा जैसे इन्होंने किया। अपने पिता की जुबान रखने के लिए ये भी अपनी जान पर खेला। कर्ज की बात करें तो हम सब इसके कर्जदार हैं, है कि नहीं? क्यों बड़े अब बोल, खुश तो है ना? इसका उससे क्या लेना देना है? इसने उसे भी मार दिया सर।